अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर राशि सूरी और आज हम ग्राफिक्स पे बात करेंगे कि ग्राफिक्स होती क्या है और ये जो हम कंप्यूटर पर ग्राफिक्स करते हैं ये ग्राफिक्स किस टाइप की ग्राफिक्स होती है। एक्चुअली ग्राफिक्स कहते हैं हम किसी चीज़ को क्रिएट करना या किसी चीज़ को बनाना। और हम जो इलस्ट्रेटर पर या फोटोशॉप पर काम करते हैं यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स करते हैं या डिजिटल ग्राफिक्स करते हैं, ये डिजिटल ग्राफिक्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं और सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम अपने पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। एक्चुअली ग्राफिक कहते हैं हम किसी चीज़ को क्रिएट करना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपके जो बेसिक शेप्स हैं जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया या आपके पास लाइन हो गई, ये ग्राफिक्स है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ग्राफिक्स जो है ये एक डॉट को कहते हैं कि डॉट वो भी अपनी एक शेप रखता है। तो मकसद ये है कहने का, अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ग्राफिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना। तो आप कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। तो ये जो ग्राफिक्स हम करते हैं एक्चुअली ये दो टाइप की ग्राफिक्स होती हैं हमारे पास, यानी कि एक तो आपके पास फाइन आर्ट की सूरत में फाइन आर्ट ग्राफिक्स, यानी कि आप फाइन आर्ट में कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक ग्राफिक्स होती है कमर्शियल ग्राफिक्स या कमर्शियल आर्ट ग्राफिक्स। हम जो ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहे हैं, जो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम कमर्शियल ग्राफिक्स कहते हैं या आप इसको कम्युनिकेशन डिजाइन कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं ग्राफिक्स की तो ये कमर्शियल ग्राफिक्स जो है हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। नंबर वन आपके पास होती है लाइन आर्ट और लाइन आर्ट ग्राफिक्स, दूसरी आपके पास होती है हाफ आर्ट ग्राफिक्स। एक्चुअली लाइन आर्ट ग्राफिक्स क्या होता है कि ऐसा वर्क जो कि ब्लैक एंड वाइट बनाया गया हो, यानी कि जिसके अंदर ग्रेडियंट्स नहीं हो, या आप यूं आसानी से कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपकी कलर मिक्सिंग ना हो, इसे कहते हैं लाइन आर्ट। और इसी तरीके से जब आप इसी लाइन आर्ट के अंदर ग्रेडियंट डालना शुरू कर देंगे तो आपके पास एक जो ग्राफिक्स बनेगी उसे कहते हैं हम हाफ टोन आर्ट या हाफ टोन ग्राफिक्स। इन दोनों को मिलाने के बाद हम एक तीसरी ग्राफिक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन एंड हाफ टोन कम्बाइन। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं अपना, जैसे हम कोई भी एक ब्रोशर के लिए काम कर रहे हैं, कोई आप पोस्टर बना रहे हैं या कोई भी कम्युनिकेशन डिजाइन कर रहे हैं, आप चाहे सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जब ग्राफिक्स बना रहे होते हैं तो ग्राफिक्स में हमें ये देखना होता है कि हमें किस वक्त कौन सी ग्राफिक्स चाहिए होती है। एक्चुअली ये जो काम चल रहा है आपका ग्राफिक्स का, ये अब से नहीं चल रहा, यानी कि ये सदियों से आपका ग्राफिक्स चलता आ रहा है। वो अलग बात है कि इसमें चेंजेस आती चली गई और अब हम एक जदीद दौर में बैठे हैं जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से पहले मैं बात करूंगा आपसे की ग्राफिक्स की कि जो हम ग्राफिक्स कर रहे हैं लाइन आर्ट और हाफ टोन आर्ट कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइन आर्ट आपका हर किस्म की ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मसलन आप सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, आप जो है वेब मीडिया के लिए काम कर रहे हैं या आप मोशन ग्राफिक्स के लिए काम कर रहे हैं, तो लाइन आर्ट ग्राफिक्स जो है आपकी ये हर जगह पर काम आ जाती है। या आप इसी तरीके से अगर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप जो ग्राफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें लाइन आर्ट ग्राफिक्स जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक हमारी ग्राफिक्स जो होती है वो लाइन आर्ट ही होती है। फिर अब अलग बात है कि जब हम उसमें इमेजेस को शामिल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप लाइन एंड हाफ टोन कंबाइन बना लेते हैं, तो ये हमारे पास लाइन एंड हाफ टोन कंबाइन होती है जिसके हम इमेजेस भी लगाते हैं, जिसके अंदर आप लोगोज भी बनाते हैं। जाहिर सी बात है लोगो बनाएंगे वो लाइन आर्ट में बनाएंगे आप, उसके बाद जो है आप हाफ टोन आर्ट बनाएंगे और उसको कंबाइन करेंगे। तो ये एक प्रोसेस हमारे पास पहले से चल रहा था जो कि बाद में अब हमारे पास कंप्यूटर पर आ गया है। और अगर कंप्यूटर से पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कैमरे पे जाके यानी कि फिल्म प्रोसेस में जाके कंबाइन किया जाता था। अब हमारे पास चूंकि कंप्यूटर आ गया है, अब हम ये जो ग्राफिक्स कर रहे हैं इसमें हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है वेक्टर ग्राफिक्स का, यानी कि वेक्टर सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं, दूसरा आपके पास हाफ टोन आर्ट के लिए यानी कि जिसे हम कहते हैं रास्टर ग्राफिक्स, और इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम अपना एक आर्ट बना रहे होते हैं। और इलस्ट्रेटर जो है वेक्टर सॉफ्टवेयर है, और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो वेक्टर सॉफ्टवेयर या वेक्टर आर्ट क्या होता है या वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है, तो वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं हम लाइन बेस्ड ग्राफिक्स को, यानी कि जो आपका जो वर्क है वो लाइन बेस्ड होना चाहिए और इसके अंदर गैप नहीं होता, यानी कि ये पिक्सल इंडिपेंडेंट चीज होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम किसी भी साइज में बनाने के बाद किसी भी साइज में इनलार्ज कर लेते हैं तो हमारा
रिजल्ट खराब नहीं होता। दूसरी बात यह कि इसको हम हर जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लाइन आर्ट करते हैं तो लाइन आर्ट को हम हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो। तो इसी तरीके से जब हम वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करेंगे तो इसको भी हम हर जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जी हमने वेक्टर आर्ट कर लिया है तो हम जो है वो इसको मोशन ग्राफिक्स के लिए लेके नहीं जा सकते। भाई डेफिनेटली आप एक लोगो बनाएंगे, लोगो बनाएंगे तो लोगो इलस्ट्रेटर पर डिजाइन करेंगे या आप कॉरल ड्रॉ पे डिजाइन करेंगे, दो ही हमारे पास इस वक्त सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो इन पर हम काम करेंगे। और इन पर जब हम काम करेंगे तो उसके बाद हमें या तो इसी सॉफ्टवेयर से ही प्रोसेस में आगे लेके जाना है या फिर हम इसको फोटोशॉप पर ले जाएंगे। अब फोटोशॉप में उस सूरत में लेके आते हैं जब हमें डिजिटल मीडिया वगैरह के लिए काम करना होता है, सोशल मीडिया के लिए काम करना होता है, तो हम जो है या वेब मीडिया के लिए काम करना होता है तो हम अपने लोगो वगैरह को या अपनी कुछ टेक्स्ट को उठाकर हम फोटोशॉप पर ले जाते हैं और वहां से हम इसकी आउटपुट बना लेते हैं। या फिर अगर हम प्रिंट मीडिया पे बात करते हैं तो फोटोशॉप से बनाने के बाद इलस्ट्रेटर पर आते हैं, तो यहां पर हम कंबाइन करते हैं। तो बहरहाल वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है लाइन बेस्ड ग्राफिक्स होती है और इसमें पिक्सल नहीं होता है, इसलिए पिक्सल बेस्ड नहीं होता, यानी कि पिक्सल इंडिपेंडेंट होता है और हर मकसद के लिए हम इसको काम में ला सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जब फोटोशॉप पर काम करेंगे वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। पिक्सल बेस का मतलब ये है कि वो पिक्सल्स पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि पिक्सल एक ब्लॉक टाइप की चीज होती है, यानी जैसे रेक्टेंगल या स्क्वायर। जैसे फोटोशॉप है तो वो हमारे पास बेसिकली उसका फोटोशॉप जो है हमारे पास उसका एक्सपेक्ट रेशियो 1:1 या स्क्वायर है, या आप मोशन ग्राफिक्स के लिए आप काम करेंगे तो वो आपका पिक्सल जो है वो रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। तो ये जो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर काम करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, यानी कि इसमें हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हमने इलस्ट्रेटर पर काम किया, यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स की। तो मसला यह है कि जब हम काम करते हैं रास्टर सॉफ्टवेयर पर तो हमें उसकी रेजोल्यूशन का ख्याल करना पड़ता है। अब रेजोल्यूशन इमेज क्वालिटी को कहते हैं। अब जैसे प्रिंट मीडिया के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमें रेजोल्यूशन जो चाहिए होती है उसकी, जो प्रिंट मीडिया की स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है वो होती है 300 dpi, यानी कि अगर आप फोटोशॉप पे कोई इमेज खोलते हैं, फोटोशॉप पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो आप रखेंगे 300 ppi, यानी कि पिक्सल्स पर इंच। अभी मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया था ppi, एक्चुअली dpi और ppi इसका थोड़ा सा मतलब समझ लें आप कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो चीज डिस्प्ले पे नजर आ रही है आपको वो पिक्सल है और जो चीज आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में नजर आ रही है वो आपका डॉट है, यानी कि एक ही चीज के दो नेम है और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम काम कर रहे होते हैं डिजिटल मीडिया के लिए तो कहीं पर हमें 72 की रेजोल्यूशन चाहिए होती है, 72 ppi, कहीं पर हमें 150 ppi चाहिए होता है। तो जब हम रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर हमारे पास फोटोशॉप ही है, तो अगर हम जब फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम रेजोल्यूशन क्या दे रहे हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह इससे आगे बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।